ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द रिकॉम्बिनेशन, टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन, कि कितने अलग अलग तरीके के रिकॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, तो पहला रिकॉम्बिनेशन होता है दैट इज होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलॉगस इस टर्म को अगर समझ पा रहे हो तो होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, लॉगस का मतलब होता है ओरिजिन। होमो का मतलब सेम होता है और लॉगस का मतलब क्या हो जाता है, ओरिजिन। लॉगस का मतलब है ओरिजिन, सो लॉगस का मतलब है ओरिजिन, सेम ओरिजिन का मतलब, सेम ओरिजिन का मतलब एलिलिक फॉर्म आपको मिलते हुए नजर आएंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जैसे। देखिए ये एक क्रोमोजोमल ऑर्म है जिसमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे ये देखिए ए प्लस बी प्लस और सी प्लस है, ये ए प्लस बी प्लस और सी प्लस है, इसी का अल्टरनेटिव फॉर्म ए माइनस बी माइनस और सी माइनस है। ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है यहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक है, ये क्या होमोलॉगस है, जिस लोकस पे, व्हेन यू टॉक अबाउट द लोकस, ये जिस लोकस पे यहाँ पे प्रेजेंट है, लोकस का मतलब प्लेस, ये जहाँ पे कोई भी जीन प्रेजेंट होता है, इनहेरिटेंस बायोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे, तो ये वहीं पे प्रेजेंट है। सिमिलरली ये चीज़ है यहीं पे प्रेजेंट है और ये भी यहीं पे प्रेजेंट है, तो ये चीज़ आपको इन्वॉल्व हो जाती है। सिमिलरली इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे प्रेजेंट है, इस केस में यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये आपका किस्सा हो जाएगा इस सेंस में। ठीक है, इसी तरीके से जब देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, क्रॉस ओवर हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन का साइट बना, साइट दिख रहा है, लेट मी हाईलाइट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो ये साइट है यहां पे। अब इस साइट पे हमेशा क्रॉसिंग ओवर पे इस साइट जो कि काई साइट बोला जाता है, क्रॉस ओवर हॉटस्पॉट इंस्टिगेटर। व्हाट इज काई, ये काई वो नहीं है जो जम जाती है बरसातों में, दिस इज क्रॉस ओवर हॉटस्पॉट इंस्टिगेटर। क्रॉस ओवर हॉटस्पॉट इंस्टिगेटर ये होता है जहाँ पे क्रॉस ओवर होता है, इसके आगे का जितना भी जीनोम होता है ना वो क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। इसके आगे का जितना भी जीनोम सीक्वेंस होगा वो पोर्शन पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर का नीचे आएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा कलर आपको करूँ तो यू विल गेट द बेटर आइडिया, अगर इसका हमने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए चेंज होने के बाद ये ऐसा आ गया और ऊपर वाला, आर यू गेटिंग द पॉइंट, कि ऊपर वाले का हिस्सा नीचे की तरफ, देखिए बी माइनस सी माइनस और बी प्लस सी प्लस, तो जहां पे क्रॉस ओवर हॉटस्पॉट था यहां पे इसके आगे का पोर्शन पूरा का पूरा चेंज हो गया, दोनों क्रोमोजोमल आर्म के पार जो हो गए एक्सचेंज हो गए, रिकॉम्बाइन हो गया। नाम में क्या लिखा हुआ है, रिकॉम्बिनेशन, मतलब रिकम्बाइन होना, ये टूटे और रिकम्बाइन होके ये फॉर्म बना दिया। तो ये जो है ये होमोलॉगस क्रोमोजोम में हुआ है, नॉन होमोलॉगस में, होमोलॉगस क्रोमोजोम में हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द होमोलॉगस पार्ट। नाउ अगेन नॉन होमोलॉगस जो रिकॉम्बिनेशन, दैट शुड बी द ई लिगी, कहते हैं कि ई लिगिटिमेट जो होता है उसमें हम बात करें, तो इसमें क्या हो जाता है कि अगेन व्हेन यू सी दैट, अगेन जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिएगा ये ब्लू कलर का मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, लेट मी लाइक, ठीक है अच्छे से दिखेगा, ये है आपका पूरा का पूरा हिस्सा। अब देखिए कि यहाँ पे ये हिस्सा इस तरीके से नज़र आ गया, ठीक है, और ये आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा होगा तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, देखिएगा क्या समझाया जा रहा है यहाँ पे, कि ए बी सी यहाँ पे क्या था, अगर आप देखेंगे तो ए था, ठीक है, दिस शुड बी लाइक ए बी एन सी, ये प्रेजेंट थे यहाँ पे, यहाँ पे डी ई एफ है, उसके सेम लोकस पोजीशन पे, सेम लोकस पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, सेम जीन है या डिफरेंट जीन है, सेम लोकस पोजीशन पे सेम जीन है या डिफरेंट जीन है, आप देखेंगे तो सेम नहीं डिफरेंट है, डिफरेंट जीन है, ये अलग जीन है, ये अलग जीन है, तो इसीलिए नॉन होमोलोगस बोलते हैं। जहाँ पे क्रॉस ओवर साइट बना, यहाँ पे क्रॉस ओवर साइट ये था और ये था, जैसे ही क्रॉस ओवर साइट बना इनके बीच में क्या हुआ, देखिए एक्सचेंज हो गया, ये वाला पोर्शन एफ वाला पोर्शन अगेन क्या हुआ, उठ के इधर चला गया और ये सी वाला पोर्शन उठ के नीचे आ गया, तो ये एक्सचेंज हो गया। नाउ यू विल फाइंड ए बी एफ एंड डी ई सी, ये है आपके रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट आफ्टर द नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन।
ठीक है। नॉन होमोलोगस में ये क्या होगा कि ओरिजिन जो होगी वो अलग अलग होगी, वो जीन जो होंगे अलग अलग होंगे, एलिक फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होंगे। थर्ड वन इज नोन एज साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा होगा आपको पता चल रहा होगा साइट स्पेसिफिक। साइट स्पेसिफिक के ऊपर जब हम बात करते हैं तो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में देयर इज अ गामा, गामा यहाँ पे पाया जाता है स्पेसिफिकली, यहाँ पे गामा इंटीग्रेज या लेमडा फाज होता है, नो नॉट गामा इट इज लेमडा फाज। इसमें क्या होता है लेमडा फाज और बैक्टीरिया में लेमडा फाज का जो जीनोम होता है, ध्यान देना कि इसमें क्या होता है कि लेमडा फाज का जो जीनोम होता है ना वो जीनोम इंटीग्रेट होता है किसमें, बैक्टीरिया में विद द साइट स्पेसिफिक मैनर, साइट स्पेसिफिक मैनर में ये इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो ध्यान देने की कोशिश करना कि यहाँ पे होता है एक लेमडा इंटीग्रेज एंजाइम, वन पर्टिकुलर एंजाइम विच इज नोन एज इंटीग्रेज, और एक होता है होस्ट इंटीग्रेशन फैक्टर HIF। लेमडा फाज के पास होता है अटैचमेंट साइट यानी ATT, लेमडा के पास क्या होता है ATT होता है अटैचमेंट साइट, और इसको लिखा जाता है POP, फाज के लिए जो साइट होता है दैट इज POP, फाज है तो POP प्राइम साइट, ठीक है। और बैक्टीरिया के पास जो है तो बैक्टीरिया है तो वी से इट इज अ बैक्टीरिया है तो क्या बोलेंगे BOB साइट, ठीक है BOB। नाउ अब बैक्टीरिया के पास ये अटैचमेंट साइट से ये जुड़ने के लिए जुड़ेगा, अब जुड़ने के लिए यहाँ पे एक्सचेंज होगा कि POP और BOB प्राइम में P और B एक्सचेंज हो जाएंगे, और आप देखेंगे जुड़ते वक्त ये हो जाएगा POB जो है POB यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे B प्राइम आ गया, और ये जो है P प्राइम वो BOP पे आ जाएगा, जो पॉप था और बॉब थे मिलने के बाद पॉब और बॉब बन गए, ठीक है। तो ये था पॉप POP पॉप और बॉब, जब बॉब ने पॉप गाना सुना तो वो क्या किया कि वो पॉब में गया और बॉप बन गया, ठीक है ध्यान देने की कोशिश करना, इसको ऑप करने की जगह कि बॉब जो था पॉप गाना सुना, सुनने के बाद वो पब में गया और बाप बन गया, तो इसको इस तरीके से ध्यान देने की कोशिश करते हैं, ये आप याद रहेगा। सो दिस इज लाइक अटैचमेंट साइट, और ये देखिए लेमडा DNA जो इस तरीके से था, ये कलर आपको दिख रहा होगा, सो दिस पर्टिकुलर वन ये यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। तो दिस इज द साइट स्पेसिफिक इंटीग्रेशन, एंड इसके साथ साथ देर इज अ फोर्थ वन विच इज नोन एज द रिप्लिकेटिव रिकॉम्बिनेशन या ट्रांसपोजिशन। कुछ ऐसे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं जो रिप्लिकेटिंग वे में क्या करते हैं, काम करते हैं। रिप्लिकेटिंग वे में मतलब कॉपी एंड पेस्ट में, इसका एक कॉपी बनेगा, कॉपी बनने के बाद वो जो होगा वो इंसर्ट हो जाएगा, कहाँ पे वो जगह पे जाके इंसर्ट हो गया। नॉर्मली क्या होगा कि यहाँ पे इसकी कॉपी बनेगी, क्या बनेगा mRNA बनेगा, ठीक है। नॉर्मली ये जो होते हैं mRNA इंटरमीडिएट से जाते हैं, mRNA इंटरमीडिएट से जाते हैं, हम ट्रांसपोजिशन को देखेंगे थोड़ी देर पे, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस रिकॉम्बिनेशंस जो कि अलग अलग तरीके के रिकॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। नाउ इसके अलावा जो होते हैं देयर इज सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार कि इसमें बहुत डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बस चीज़ों का ध्यान रखना जहाँ पे जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्या करेंगे सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक में देयर इज लाइक लुक हियर कि एक यहाँ पे स्टैंड ब्रेक हुआ और एक स्टैंड ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये इधर इन्वाइट करेगा, ये इधर इन्वाइट करके एक हॉलीडे जंक्शन बनाता है, हॉलीडे जंक्शन बनाने के बाद ये क्या होगा कि हॉलीडे जंक्शन मूव करता गया, मूव करने के बाद यहां पे एक हॉलीडे जंक्शन का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कट होगा किसी एक पर्टिकुलर को 180 डिग्री रोटेट करके, और आपको क्या हो जाएगा कि एक रिकॉम्बिनेंट मिलेगा और एक नो रिकॉम्बिनेंट मिलेगा। सम की पॉइंट्स ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ध्यान देना जो अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। सो सम की पॉइंट्स देखेंगे, और डबल स्टैंडर्ड ब्रेक में देखिएगा कि यहां पे दो एक ही स्ट्रैंड के दोनों स्ट्रैंड टूट गए हैं, ये क्या करेगा फिर पहले एंड का रिसेक्शन मतलब एंडोन्यूक्लियेजेस ये सब कट किया एक्सो न्यूक्लियेजेस से, फिर उसके बाद स्ट्रैंड की सिंथेसिस डिस्प्लेसमेंट हुआ इन्वाइट किया, ये चल रहा है, चलने के बाद ऊपर वाला एज इट इज जुड़ जाए, नीचे वाला ऐसे जुड़ जाए, यानी सिंग दैट स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट एनलिंग, ठीक है। स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट एनलिंग का मतलब आपको कोई भी क्रॉसओवर नहीं मिलेगा, और डबल स्टैंडर्ड ब्रेक में
क्या मिलेगा कि DSBR में आपको नॉन क्रॉसओवर और क्रॉसओवर प्रोडक्ट दोनों मिलेंगे, दो हॉलिडे जंक्शन बनेंगे, ठीक है। सो की पॉइंट्स क्या होगा, इस पर्टिकुलर चीजों पे ध्यान देने की कोशिश करना जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो हॉलिडे जंक्शन के ऊपर जब हम बात करते हैं, सो देखिएगा, एक होता है नॉर्मली होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, व्हेन यू टॉक अबाउट द होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन में जो होते हैं, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन के ऊपर बात करें तो ट्राई टू अंडरस्टैंड यर कि होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन में या तो सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक हो या डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हो, या तो सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक हो या डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हो। अगर सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक होता है, माई मीन टू से ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये देखिएगा कि यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक हुआ या डबल स्टैंडर्ड, दोनों के दोनों स्टैंड में ब्रेक हो गए, ये वाला केस। तो अब सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक में कुछ चीज़ें होती हैं, वो कुछ चीज़ें क्या हैं वो ध्यान दीजिएगा। सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक में क्या होता है कि देयर इज लाइक वन हॉलिडे जंक्शन, कितना हॉलिडे जंक्शन बनता है, एक हॉलिडे जंक्शन बनेगा, एक हॉलिडे जंक्शन जो होता है सिंगल उसमें बनेगा। इसके बाद आपको किसमें क्रॉसओवर और नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट कब मिलते हैं, ठीक है। क्रॉसओवर का मतलब रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट कब मिलेंगे, दैट रिकॉम्बाइंड प्रोडक्ट जो मिलेगा या क्रॉसओवर प्रोडक्ट जो मिलेगा वो आफ्टर द वर्टिकल कट मिलेगा। वर्टिकल कट जब आप करेंगे तब मिलेगा। और पैरेंटल कब मिलेगा, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट पैरेंटल, और वी कैन से नॉन रिकॉम्बिनेंट पैरेंटल या नॉन रिकॉम्बिनेंट कब मिलने वाला है, दैट इज ऑन हॉरिजॉन्टल कट, हॉरिजॉन्टल कट पे मिलेगा, ठीक है। हॉलिडे जंक्शन जो होते हैं एक बनेगा और इस तरीके से चीजें चलेंगी। डबल स्टैंडर्ड ब्रेक होगा तो यहां पे दो मैकेनिज्म होते हैं, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर DSBR, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर, या दैट सीक्वेंस लाइक सीक्वेंस डिस्प्लेसमेंट एनिलिंग SDSA, द सिंगल स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट एनिलिंग जो होता है SDSA, सिंगल स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट एनिलिंग, ठीक है। सो दिस इज द SDSA, स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट एनिलिंग एंड DSBR, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर। नाउ तो स्टैंड डिस्प्लेसमेंट एनलिंग में देयर इज नो हॉलिडे जंक्शन, ध्यान देना, नो हॉलिडे जंक्शन, कोई भी इसमें हॉलिडे जंक्शन नहीं बनता, एंड ओनली पैरेंटल कॉम्बिनेशन मिलेगा, ओनली पैरेंटल प्रोडक्ट मिलेगा, जैसा पैरेंट होगा वैसा ही मिलने वाला है। डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर ही होता है जो यूज किया जाता है, यानी डबल दो ब्रेक, तो इसमें मिलेगा टू हॉलिडे जंक्शन, कितने मिलेंगे, टू हॉलिडे जंक्शन, दो हॉलिडे जंक्शन मिलेंगे, और ये दो हॉलिडे जंक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, दो हॉलिडे जंक्शन मिलेंगे, दो हॉलिडे जंक्शन का रिजोल्यूशन होगा। अगेन आपको क्या मिलेगा, इसमें वर्टिकल कट, जब रिजोल्यूशन करेंगे तो वर्टिकल कट से मिलेगा आपको क्या, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट, एंड जब आपका नॉन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होगा वहाँ पे, सो दैट विल गिव यू द हॉरिजॉन्टल या पैरेंटल प्रोडक्ट, इस चीज़ का ध्यान रखे रहिएगा, क्योंकि अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से उठा के पूछेगा आपको, पूरे के पूरे जो की पॉइंट्स है इसी पे बात की जाती है। डबल स्टैंडर्ड ब्रेक में या तो SDSA हो सकता है स्टैंड डिस्प्लेसमेंट एनिलिंग के लिए, या डबल स्टैंडर्ड ब्रेक इसको अगर हम बात करें तो दिस इज स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट एनिलिंग, ठीक है, स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट एनिलिंग। एंड डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर में दैट डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर, ठीक है। तो ये यहाँ पे केसेस होते हैं, ज़्यादा कुछ उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी ध्यान रखोगे आपका काम जो है वो चल जाएगा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन इनइक्वलाई में भी चीज़ें आती हैं, कभी कभी पूछा जाता है दैट रेक BCD कॉम्प्लेक्स, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन इन इक्वलाई रेक BCD कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है। रेक BCD में ये न्यूक्लियस का भी काम करता है और हेलिकेज का भी काम करता है, इट आस्क फॉर न्यूक्लियसेस एंड हेलिकेजेस बोथ। इसमें कुछ कुछ बेंजाइन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं BCD, बी के पास 3-5' हेलिकेज एंड न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। सी जैसा कि नाम है सी, तो क्या रिकॉग्नाइज करेगा, काई साइट को, ठीक है, क्या रिकॉग्नाइज करेगा आपके काई साइट को रिकॉग्नाइज करेगा सी, जैसा कि नाम आपको नजर आ रहा है दिस लाइक काई साइट। एंड डी जो हो जाएगा 5'-3' हेलिकेज एक्टिविटी, एंड एक बी दैट 3'-5' जो है वो इस तरीके से चलेगा। तो डी जो है वो 5-3 है, बी जो है 3-5 है,
ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखना है। और न्यूक्लियस एक्टिविटी किसके पास पाई जा रही है, बी के पास पाई जा रही है, ठीक है। सो अब देखिएगा रेक बीसीडी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि रेक बीसीडी बाइंड्स एट द डबल स्टैंडर्ड ब्रेक। जहां पे डबल स्टैंडर्ड ब्रेक होगा वहां पे ये चीज बाइंड करेगा रेक बीसीडी। रेक बीसीडी अनवाइंड द डिग्री ऑफ डीएनए, कुछ अनवाइंड करेंगे क्योंकि हेलिकेजेस है तो तोड़ेंगे, हेलिकेजेस है तो तोड़ेंगे। और डी जो है इस स्ट्रैंड पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ऊपर 5 and 3 है तो नीचे 3 and 5 होगा, ठीक है, यही होना चाहिए। अब ये जब होगा आपका पूरा का पूरा किस्सा, इस तरीके से चीजें चलती रहेंगे। अब इसमें क्या है कि रेक बीसीडी अनवाइंड द डिग्री, डिग्रेड किया, इस तरीके से चीजें चल रही हैं। और नॉर्मली क्या है कि डी जो है वो कैसे चलेगा, 5' to 3', मतलब ये इस हिस्से में होगा डी, इस हिस्से में होगा बी, ठीक है। ये देखिए 3' to 5' चल रहा है, दिस शुड बी द बी, दिस शुड बी द डी, बीच में यहां पे चलता चला जा रहा है। नाउ रेक बीसीडी क्लीव्स लाइक, ये जो है इसमें डी की स्पीड जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से चीजें मिलती, मतलब एक लूप जैसा बन जाता है। दैट रेक बी क्लीव्स द सिंगल स्टैंडर्ड साइट काई, कहाँ पे करते हैं, काई पे। अब काई पे बाइंड करने के लिए यहाँ पे चाहिए क्या, एक पर्टिकुलर कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं सी, ठीक है। दैट इसके बाद जो होता है नॉर्मली रेक डी डिसोसिएट हो जाएगा और रेक बी सी कंटिन्यूज एज अ हेलिकेस, ठीक है। तो जैसे ही काई साइट मिला, मान लो इसके साथ हमने जोड़ दिया सी, बी सी चलता आ रहा था, चलता आ रहा था, ये था काई साइट, इस पे जैसे ही सी मिला रिकॉग्नाइज किया, करने के बाद जैसे हुआ बी सी डी ने इसको कट किया, कट करने के बाद जो है डी जो है पतली गली से निकल लेगा, डी कहेगा कि मेरे को जाने दो भाई, सी को आने दो, और फिर बी और सी जो है वो चलते रहेंगे, और ये जो है पूरा का पूरा केस यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने के बाद ये आपका चलता रहेगा और रेक बी यूनिट ट्रांसलोकेट 3 to 5 डायरेक्शंस में, ठीक है। सो ये जो है पूरा का पूरा रेक बी सी डी मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा था, मतलब बी सी डी कॉम्प्लेक्स जुड़े चल रहे थे, बी 3 to 5 था, डी 5 to 3 था, सी जो इस तरीके से चल रहा था। ये जो है काई साइट पे, जहां भी काई साइट होगा पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद वहां पे क्लीव किया, ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो रहा होगा, यहां पे यही भी इधर मूव कर रहा होगा। जैसे ही काई साइट पे पहुंचा क्लीव होगा, क्लीव होने के बाद एक स्ट्रैंड अलग वहां से, और उसके बाद चीजें अलग, फिर उसके बाद नया सिक्वेंस जो है वहां पे ऐड हो जाएगा विद मैकेनिज्म। सो एक बीसीडी जो होता है इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंजॉय करते रहिए और लर्न करते रहिए। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या पीएचडी का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेदमी लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर सीएसआईआर 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड वेद20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया।